ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ते शान्ते शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वर सद्गुरुं ब्रह्मविद्वर। सुंदरकांड का पाठ अभी हुआ है। सुंदरकांड पाठ के पहले किष्किंधा कांड के एक दोहा हम लोग पढ़ते हैं, प्रिंटिंग में भी है। कभी अपने ध्यान दिया क्यों पढ़ते हैं, कभी अपने सोचा क्यों पढ़ते हैं, कभी अपने मनन किया क्यों पढ़ते हैं, कभी आपके मन में प्रश्न आया क्यों पढ़ते हैं? ना ना तो कभी सोचा ही नहीं, प्रिंटिंग में लिखा हुआ है। और जो पढ़ने वाले हैं पुराने सुंदरकांड पाठ वाले, वो बोले यहीं से पढ़ना पड़ेगा, किष्किंधा पाठ कांड से। फिर पढ़ लेते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं आपको पता ही है, दुकान लिखा हुआ। अंगद कहई जाऊं मैं पारस, पढ़ लेते हैं, है ना, लिखा भी हुआ नोट। सुंदरकांड पाठ से कथा केस तारुण्य हेतु क्योंकि आप प्रश्न मन में नहीं आया तो माइक बोल रहा है दिस इज रॉन्ग थिंग, ठीक है, तो मन में आना चाहिए, चिंता मत कीजिए। ये है हमारी हिंदू धर्म की खासियत है, अगर हमारे मन में प्रश्न नहीं आता है गुरु खुद प्रश्न करवा देते हैं और उत्तर दे देते हैं। थोड़े से प्रश्न पूछ लेंगे तो लगेगा हाँ बात तो सही है। क्या है सुन, सामने समुद्र आ गया, अब कैसे पार करना। संपति ने कह दिया कि माता सीता तो लंका में अशोक वाटिका में है और मैं देख रहा हूं। देखो तो जीवन में भक्ति को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता। माता सीता भक्ति है, शांति सीता समायुक्त आत्मबोध। हम लोग सीता की खोज कर रहे हैं, हर क्षण शांति की खोज कर रहे हैं। सब लोग प्राप्त नहीं कर पाते, हनुमान ही प्राप्त कर पाए। तो डिस्कशन में क्या होता है, अंगद कहते हैं, देखो लिखा हुआ है ना, इसी को ही तो पढ़ते हैं, यहीं से तो शुरुआत करते हैं। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, अंगद कहते मैं तो चला जाऊंगा पार तो कर लूंगा, मगर जियो संशय कछु फिर अति बारा, मगर कुछ डाउट है कि मुझे वापस आना है। अर्थ क्या है, ऐसे मनुष्य है साधक, साधना के रास्ते में चलता है तो पता नहीं इस जन्म में प्राप्त करूंगा कि नहीं करूंगा, पता नहीं मैं भगवान को प्राप्त करूंगा कि नहीं। सिद्धवाड़ी तो जाऊंगा मैं, उत्तरकाशी कैंप तो जाऊंगा, और जाने में ना वो परमात्मा के जो प्राप्त करना है वो मुझे होता नहीं है। आप चिन्मय मिशन बार बार बुला रहे हो पटियाला वाले, आओ क्लास हो वो होगा, पर जाने से क्या होगा, अभी तो उम्र हो गया है। यह अंगद स्टाइल है, समझ में आया जो भावना, अभी क्या, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, सुनाई तो नहीं दे पड़ रहा है ठीक से, समझ में नहीं आता है, जाऊंगा जा तो जाऊंगा समझ ना पा रहा, ये अंदर स्टाइल। फिर जाएगा कौन है, देखना इसमें ही देखो क्या, जाम बवंत कह तुम सब लायक, पठाइए किम सब ही कर नायक। उन्होंने कह दिया फिर
हनुमान जी। संत लोग बड़ा सुंदर डिस्कशन करते हैं, समय के अनुसार मुझे समेट लेना। इस डिस्कशन में हनुमान जी नहीं है, समुद्र के किनारे है। समुद्र के पास ही जहां पानी है वहां बैठ करके पत्थर कंकड़ फेंक रहे हैं। अर्थ क्या है? ये जहां साधक को ऐसे डिस्कशन में रहना चाहिए जहां पॉसिबिलिटी है, जहां पॉजिटिविटी है, जहां पॉजिटिव है, और वो अपने मस्त में है। हनुमान जी को बचपन में एक अभिशाप मिला, क्योंकि इतने बल था वो, आपको पता ही है, सूरज को ही निगलने के लिए चल पड़े। हनुमान चालीसा में पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर क्या हुआ? इंद्र ने उनको एक अस्त्र फेंका जो गिर गए, तभी से वो हनुमान हो गए हनु। फिर पवन तो बहुत गुस्से में आ गए। जो भी है, देखिए सब अपने अपने कर्मों में करते हैं, जब मगर पुत्र के लिए आता है तो होता ही देवता है। फिर भी तो गुस्से में आ गए, उन्होंने अपना विद्रोह किया। बहुत रेयर है विद्रोह करने का, पुराणों में वर्णन है। सोचो तो पवन अगर विद्रोह कर ले तो हालत हालत क्या होगी? खुद अपने आप विद्रोह हो रहा है, अलग बात है। उसी को ही मरना कहते हैं। सांसे अंदर गई, सांसे बाहर आई, फिर अंदर नहीं गई, उसी को क्या कहते हैं? मरना। अर्थात ये जो सांसे हैं हमारे व्यष्टि सांसे, आना जाना चलनी चाहिए, बंद हो गया, उसमें पवन के कोई गलती नहीं, पर यहां खुद समष्टि पवन वो स्ट्राइक कर रहे हैं, रोक लिया। सब देवता लोग भगवान विष्णु को कहा, अगर गलती तो तुम लोगों ने किया, वो आया बच्चा है, वो सूरज को बल फल समझ करके निकल रहा था, अब क्या करे? वो नियम है, कॉस्मोस है, कहीं इनबैलेंस होगा तो हमको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, एक काम करो, पवन को खुश करने के लिए अपने पुत्र को, उनके पुत्र को जितना बल है तुम देते जाओ, दे दो, सब अपने अपने बल दे दो। इंद्र ने दिया, सूर्य ने भी दिया, सूर्य ने तो ज्ञान भी दे दिया, सूर्य ज्ञान का प्रतीक, सबने दिया, उनके पास बल हो गया। वो ऐसे ही बल जन्मजात लेके आए थे, और ये इंसिडेंट एक्सीडेंट होने के कारण और बल हो गया। तो वो क्या करते थे, वो बल को देखो, तो जब बल चैनलाइज नहीं होता है ना, वो मुश्किल होता है। जो जैसे हर देश प्रदेश में होता है, तो यहां पर नहीं, बाहर भी होता है, सब जगह योग के अंदर एनर्जी है। अगर वो चैनलाइज देश के लिए नहीं करोगे तो फिर वो डिस्ट्रक्शन में चले जाते हैं। एक बॉन्ड हो जाता है तो दूसरा उनके अंदर नहीं रहता है। तो ये हनुमान जी की हो गई। तब एक ऋषि ने अभिशाप दे दिया, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें अनुभव है कि तुम्हारे अंदर, तुम्हें पता है यू एवर, इसीलिए यू डेयर। सो अभी एवर ही नहीं रहेगा तो डेयर नहीं रहेगा तो केयर क्या होगा? एवर डेयर केयर, तो तुम भूल जाओ तुम्हारे अंदर शक्ति है, अभी तक भूले हुए हैं हनुमान जी। इसीलिए वो डिस्कशन में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। कुछ देखना, कुछ कुछ हम लोग जब जाते हैं ना किसी के घर में भिक्षा में, वो समझ जाते हैं कि उनका बेटा के अंदर संस्कार है कि नहीं। और डिस्कशन में कहा गया है स्वामी जी आ रहे हैं, और पिताजी ने कहा बस प्रणाम कर दिया, कुछ तो ऐसे जो भी, फिर निकल जाते हैं। क्यों? वो भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसका संस्कार है वो इंटरेस्ट ले लेता है। तो हनुमान जी भी इंटरेस्ट ले नहीं ले रहे, क्यों? भूले हुए हैं, विस्मृत। हम लोग भी अपने अपने जीवन में हम भूल गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रायोरिटी हमारे लिए भगवान नहीं है, राम काज नहीं है। देखिए अभी जाम्बवान ने क्या किया, पढ़िए उसको। जाम्बवान अभी बोल रहे हैं, कहि रीछपति सुनु हनुमाना, कहि रीछपति सुनु हनुमाना। सुनो,
रिछपति कौन है? गुरु। गुरु शिष्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? का चुप साधि रहो बलवाना। चुप क्यों रह रहे हो? तुम बलवान हो, चुप क्यों रह रहे हो? तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है, इंस्पिरेशन किया जाता है ना यूथ को, क्यों तुम ऐसे कर रहे हो? क्यों तुम कर नहीं रहे हो? क्यों तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो? इंस्पिरेशन किया जाता है। मैंने एक तीन शब्द कहा था, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, इंस्टिगेशन। तो ये इंस्पिरेशन शक्ति, मोटिवेशन राजसिक, इंस्टिगेशन तामसिक। बस जलाओ, चोरी करो, फाड़ फोड़ो, तोड़ो, वो है इंस्टिगेशन। राजनेता लोग कर लेते हैं, फिर कह देते हैं ना हमने नहीं किया, क्यों? करने वाले तो यूथ है, उनको पैसा दे दिया जाता है, कर लेते हो। तो यहां पर क्या कहते हैं? हनुमान जी को कह रहे हैं, कहाँ चुप चुप क्यों रह रहे हो? बलवाना भवन, देखो संबोधन कर रहे हैं, पवन तनय, तुम पवन के पुत्र हो, पवन तनय बल पवन समाना, तुम पवन के पुत्र हो और पवन जैसा तुम्हारे पास बल है, कुछ नहीं, चुप शांत। कभी कभी ना इंस्पिरेशन काम नहीं देता है ना, फिर बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम्हारे पास बुद्धि है, यू आर इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल, यू आर इंटेलिजेंट, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है, तुम्हारे पास इंटेलेक्ट है, यू आर इंटेलेक्चुअल, काम नहीं दे रहा। बुद्धि का विवेक है, बुद्धि का जो प्रयोग है विवेक है, तुम्हारे पास थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, बुद्धि और विवेक, विज्ञान है तुम्हारे पास, विज्ञान का निधाना है, फिर तो भी नहीं हुआ। मैंने कितने अच्छे अच्छे क्वालिटी बताया तो भी हनुमान जी चुप रहे हैं। हमारे अंदर भी कितना भी, मैं धन बहुत मेरे पास है, पिताजी के पास है, पता है मेरे पिताजी कौन है? ऐसे वो देता है ना फिल्म में, तो वो हीरो बोल देता है, जैसे विलियन बो का विलियन या विलियन का बेटा ऐसे बोलता है, पता जी मेरे पिताजी का कौन है? तो हीरो बड़ा चुटकी से बोलता है, तुम ही बताओ तुम्हारे पिताजी कौन है, हमें क्या पता। फिर बोलते, तुम्हारे पिताजी को तुम्हें याद नहीं है जो मुझे पूछते हो पिताजी कौन है? फिर और एक है, तुम कितना पिताजी के नाम से जिएगा, अपना तो कोई करो, है ना, तू भी कुछ नहीं। कवन सो काज कठिन है जग माई, तुम्हारे लिए क्या कठिन है इस जगत में? कुछ नहीं है, फिर भी चुप। जो नहीं होता तो तुम अपाई, तुम्हारे जीवन में क्या ऐसे संभव नहीं है जो तुम कर नहीं सकते हो? वट इज नॉट पॉसिबल इन योर लाइफ दैट यू कैन नॉट डू? तो भी चुप। गुरुदेव का ना वाक्य ऐसे होता रहा, अब देखना क्या हो रहा है, और दिस इज फाइनल। क्या राम काज लगी तब बतारा, बस यही है ब्रह्मास्त्र, यही है ब्रह्म वाक्य, यही है महावाक्य। बाकी उसके पहले क्या क्या सब बताया, कहा सिर्फ राम काज लगे तब अवतारा, राम कार्य के लिए तुम्हारा अवतार है, कहे नहीं आगे हो गया। क्या सुनत ही भयउ पर्वताकारा, जीवन में हमें भी यही समझना है, मेरा जीवन किसके लिए है, व्हाट इज माय गोल, व्हाट इज माय एम्बिशन, नॉट ये संसार में खान पान पुत्र ये सब ठीक है, लक्ष्य रखना चाहिए परमात्मा का प्राप्ति। मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूं, और ये गुरु की आवश्यकता, इसी को ही दीक्षा कहते, इसी को ही मंत्र कहते। एक सुंदर स्टोरी मैंने अभी पढ़ा है, कल ही पढ़ा, जब कल पढ़ा मैं रास्ते में, जब आ रहे थे हमारे डॉक्टर शशिराज लेके आ रहे थे मुझे डेहराडून में, मैं बैठा था, फिर अम्मा के स्टाइल, स्वामी जी कुछ बताऊं, स्वामी जी कुछ सुनेंगे, स्वामी जी मैं कुछ बोलूं, बोले बोलो, फिर मैं बंद कर देता था, एंड तो उसमें मैं पढ़ रहा था, सुंदर स्टोरी है, सुनिए, 5 मिनट में कंप्लीट करूंगा। एक ट्रेन में एक सूट पुटर आदमी, बिजनेसमैन, व्यापारी है, वो जा रहा था, उतरते ही स्टेशन में एक भिखारी था, वो भी ट्रेन के बोगी के अंदर था, उसको भी उसी में उतरना था। उतर कर के, बाबूजी
मुझे कुछ भीख दे दो, मुझे कुछ भीख दे दो। व्यापारी बड़े व्यापार के स्टाइल से कहा, देखो तुम अपने आप को भिखारी करते हो और भीख मांगते हो, उसके बदले में, क्योंकि मैं व्यापारी हूं, मुझे लेन देन पसंद है, मैं भीख तो दे दूं तुम के 4 आना, 50 पैसा, 1 रुपया दे दूं, तुम उसके बदले क्या दोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं। सीखो देना, जब तुम दोगे तभी तुम्हें मिलेगा। उसने बात तो सही है, कह के चले गए। उसको ये झकझोर किया कि जब तुम दोगे तुम मिलेगा, भिखारी मत बनो, बनो तो व्यापारी बनो। उसने कहा बात तो सही है, क्योंकि मैं नहीं दे रहा हूं किसी को, इसलिए वही वही आदमी जब आते हैं तो एक बार दे देते, उसके बाद नहीं देते। मेरे तो जो कलेक्शन है भीख को कम हो गया। ठीक कहा उन्होंने, अभी मुझे देना क्या है? लगभग 20 साल से वो मांग ही रहा था, स्टेशन के सब कुछ उसको पता है। स्टेशन का आप लाइन में देख लेना, जहाँ आस पास जरूर कहीं ना कहीं अपने आप में जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, बढ़िया सुंदर फूल निकल जाते हैं। कभी कभी तो आप देखोगे कि पत्थर से, कंकड़ से एक पेड़ है, फूल है, कौन देता है उसमें पानी और मिट्टी? पत्थर से, कंकड़ से, उसको अच्छा लगा, रे ये फूल, कभी सोचा ही नहीं था, रोज देखता था 20 साल से। तो उसने तुरंत कुछ फूल निकाला और जानबूझ के उसका जो डालिया है उसके साथ निकाला रखा। उसने देखा भी था कि फूल बेचने वाले ऐसे करते हैं। वो भीख मांगा और उनको बाबूजी, सब लोग खुश हो गए, आश्चर्य हो रहे, मुस्कान भी आ गया। तो ऐसे उसने 15 20 निकाला और दिया, तो उसका पैसा भी बढ़ता गया। जब पैसा बढ़ता गया, एक दिन वही सूटकेस वाले, बिजनेस वाले आए और उसने मांगा, तो उसने पहचान लिया यही व्यापारी भिखारी, और फूल दे रहा है एक को। जब इसके पास आए तो उन्होंने तुरंत जो मना किया था नहीं दिया था, तो दे दिया, देकर दे दिया और चल पड़े। फिर उसने कहा, सुनिए सेठ जी, मैं अभी भिखारी नहीं हूं आपके अनुसार, मैं अभी व्यापारी बन गया हूं। जोर से, क्योंकि भीड़ थी, अनाउंसमेंट हो रही थी, उसने जोर से कहा और वो सुने कि नहीं है, यहीं पर वो स्टोरी के क्लाइमैक्स है। स्टोरी इतनी थी, गुरुदेव की कृपा से मैं यहाँ पर क्लाइमैक्स पे जो वो से बढ़ा रहा हूं। क्या? 4 प्रकार के शब्द होता है, एक होता है वैखरी, और एक होता है मध्यमा, और एक होता है पश्यंती, और एक होता है परा। पता नहीं वो जो शब्द था कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी बन गया हूं, वो उसके अंदर जो एक एक जो एक भावना है, झकझोर हो गया, अंतर शक्ति से आ गया। क्या? शब्द वैखरी नहीं था, शब्द मध्यमा नहीं था, शब्द पश्यंती नहीं था, शब्द परा के स्तर पर था, शब्द चेतन के स्तर पर था। उसने कहा कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। तो जो बोल दिया उसको समझ में आया, आज से भीख मांगना छोड़ दिया। उसने सोचा मैं व्यापारी हूं। फिर वो तुरंत, देखो जीवन में एक शब्द कैसे ब्रह्म वाक्य बन जाता है अगर किसी गुरु से मिल जाता है, और गुरु भी ऐसे अधिकारी हो, कोई इंटरनेशनल टीचर हो, कोई ज्ञानी हो, उसके एक छोटा सा शब्द भी झकझोर कर देगा अपने जीवन को। तो वो चला गया, भीख छोड़ दिया। उसने क्या किया, गांव में तो बहुत लोग, चाषी लोग, किसान लोग फूल ले आते हैं, क्यों ना मैं फूल गांव से लेकर के स्टेशन में बेचूं। उसने बेचा और एक दिन क्या हुआ, ट्रेन में 2 सूटकेस वाले एक ही जगह पर इसी स्टेशन में उतरे, और जो स्टेशन एक सूटकेस वाले को दूसरा सूटकेस वाला, उतर उतर सूटर है, उसने प्रणाम किया, तुम कौन हो ना, हम 2 बार मिल चुके हैं और आज तीसरा बार मिल रहे हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप व्यापारी हैं ना? ना, हाँ मैं भी व्यापारी हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कब मिला था आपको, याद है 5 साल पहले एक भिखारी था,
आपने कहा था मैं व्यवसायी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं भीख नहीं देता हूं, ऐसे व्यापारी बनो। हाँ, फिर दूसरी बार आपको याद है ना, उस समय तो तुम्हारा दाढ़ी था, बाल गंदा था, अब तुम वही, वो आपके कारण है। दूसरी बार जो मिले वो मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। आपने पहले बार जो बोला था व्यापारी बनो, वो मेरा काम नहीं दिया, गुरु दीक्षा 10 साल पहले दिए होंगे, और जीवन परिवर्तन होता है। अब आज जब जीवन में शब्द परा के स्तर पर रहता है, बैखर के स्तर पर रहता है तो आता और जाता है, मध्यम के स्तर पर आता है थोड़ा सा झकझोर करा देता है, पश्चिम के स्तर पर आता है तो ठीक है आध्यात्मिक बन जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं, मगर परा के स्तर पर आ जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उन्होंने कहा कि उस दिन मैंने जो कहा आपको, पता नहीं मेरे जीवन में क्या हुआ ना, मैं भी छोड़ दिया, कभी मैं सोच नहीं पाता कि मैं छोड़ सकता हूं। मैं गांव गया, फूल लाया और बेचने लगा 5 साल में। आज मैं इसी एरिया का सबसे बड़ा फ्लावर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट हूं, वो आपके कारण, क्योंकि मैंने ये जो थॉट था, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, ये हटा दिया। जाम्बवान में कहते हैं कि तुम्हारे जो जीवन है इसके लिए नहीं है, तुम्हारे जीवन राम काज के लिए। जब हम सोचते कि मैं देह हूं बस दुख का कारण है, जब मैं सोच लिया कि मैं शुभ हूं बस हो गया जीवन, तो हमें कहाँ जाना है, देह से सोहम, जीव से शिव तक। ये है हनुमान जी का छोटा सा प्रसंग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय